तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जो घोषणा की थी मात्र एक बार उन्होंने उसका पालन किया, वो भी संपूर्ण लोगों तक उनकी घोषणाएं नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, इसका इतिहास गवाह है। अगर कांग्रेस पार्टी ने कहा किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ तो 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया था। अगर आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन देंगे और जो ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियां हैं उनको हम स्कूटी देंगे, तो निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो पूरे 5 साल तक इस क्रम को लगातार जारी रखेंगे, ये हम आपको भरोसा विश्वास दिलाते हैं। आप देख रहे होंगे, मैं इसमें बताऊं, आपको मैं ही नहीं बताऊंगी, पूरे स्पोर्ट्स परिवार बता देगा। जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मेडल लाता था ना तो जब नौकरियां मिल जाती थी, और आज आप रिकॉर्ड निकाल करके देखेगा, राइफल एसोसिएशन जोड़ी उत्तर प्रदेश से मैं हूँ, बड़ौद बागपत से, जहाँ से दादी चंद्रो हमारी माननीय है और दादी प्रकाशी है, इतने इंटरनेशनल में मेडल वहाँ हुए। आज नेशनल और इंटरनेशनल खेली लड़कियां, आप देख रहे हैं वहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, एक मजबूती है। स्पोर्ट्स पर्सनों का आना भी ये एक बात अच्छी है कि मैं स्पोर्ट्स परिवार से हूँ, तो वो और बहन बेटियां भी मेरे साथ हैं।